अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ टी टाइम स्नैक्स, जिसमें शामिल हैं चिकन पिन व्हील्स एंड चिकन बगैट। इनके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं उनमें शामिल हैं पफ पेस्ट्री शीट 1 बिगेट, चिकन क्यूब्स, टोमेटो सॉस, एलपिनोस, 1 टोमेटो, आइसबर्ग लेटस, चीज श्रेडेड एंड चीज स्लाइसेस। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर मैंने पैन लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डालकर और उसमें लहसुन डाल दिया है। अब मैंने उसके अंदर चिकन क्यूब्स डाल दी हैं। चिकन क्यूब्स को मैंने थोड़ा सा भून लिया, फिर उसके अंदर मैंने ऐड किया है सॉल्ट, वाइट पेपर एंड पेपरिका पाउडर, और फिर मैंने डाला है इसमें क्रश चिली। अब इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूंगी। यहां पर ये रेडी हो चुका है। अब मैंने पफ पेस्ट्री की शीट ली है, उसके अंदर मैं टमाटो सॉस पहले इस तरीके से अप्लाई कर लूंगी। पफ पेस्ट्री को बनाने से पहले आप फ्रिज में इसको मस्त रखें, फ्रिज से निकली हुई पफ पेस्ट्री ही सही तरीके से उस पर चीज़ें लग जाती हैं, अदरवाइज ये बहुत स्टिकी हो जाती है। सारी पफ पेस्ट्री की शीट के ऊपर मैंने ये टमाटो सॉस लगा ली है। अब मैंने जो चिकन बनाया था, चिकन क्यूब्स, उसको मैं इसके ऊपर सारा इस तरीके से फैला दूंगी। इसी तरीके से आप सारा इसके ऊपर वेजिटेबल भी लगा सकते हैं। अब मैंने ये अलपिनोस ली हैं, उसको मैं बीच में इस तरीके से डाल रही हूँ। फिर मैंने ये श्रेडेड चीज दी है, इसको मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अब मैं इस शीट को आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ रोल करूंगी। राम राम से इस तरीके से मैं इसको अंदर से रोल करती जाऊंगी।
ये पूरी पफ पेस्ट्री को मैंने सारी चीज़ें अंदर लगा के इस तरीके से रोल कर लिया। अब मैं इसको इस तरीके से कट करूंगी। इस तरीके से इसके स्लाइसेस बनते जाएंगे। अब इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया। थोड़ी बहुत जहां से शेप खराब हो जाए कटिंग में, तो बाद में हाथ से भी उसको उसकी शेप को ठीक किया जा सकता है। अब मैंने बेकिंग ट्रे ली है और उसमें मैं इसको इस तरीके से लगा दूंगी। अगर आप इसको बेक ना भी करना चाहें तो भी ये फ्राइंग पैन में शैलो फ्राई हो सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको ओवन में रखने की बजाय आप इसको पैन में हल्का सा बटर लगा के या ऑयल लगा के इसको फ्राई कर लें। अब मैं इसको एग वॉश करूंगी। साइड्स पे मैंने इसको इस तरीके से एग लगा दिया ब्रश की मदद से, इससे इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाता है और लेयर भी क्रिस्पी हो जाती है, आउटर लेयर। इस तरीके से मैं सारा एग सारे व्हील्स पे लगा दूंगी। ये मैंने कर दिया है। अब मैं इसको ओवन में रख दूंगी। यहाँ पे मैं बिगेट ली है मैंने एक, उसमें मैं चीज़ स्लाइस को इस तरीके से फोल्ड करके रख दूंगी। अब मैं इसके अंदर चॉप किया हुआ ऑनियन डाल रही हूँ। ये है मेरे पास आइसबर्ग लेटस, इसको मैं इस तरीके से तोड़ के अंदर डाल दूंगी। अब मैंने टमाटो के स्लाइसेस किए हुए हैं, वो मैं इसके अंदर इस तरीके से रख रही हूँ। अब मैंने जो चिकन बना के रखा हुआ था जिसको मैंने पिन व्हील्स में यूज़ किया है, उसको भी मैं इसके अंदर इस तरीके से रख दूँगी।
चिकन बगैट में बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अब मैं मायोनीज थोड़ी सी इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूंगी। और फिर मैं ऊपर से डाल रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। दोनों सॉसेस का भी टेस्ट बड़ा मज़े का लगता है। अब मैं चिकन पिन व्हील्स को देख रही हूँ, ये कुछ देर में रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डिश आउट कर दिया है। टी टाइम स्नैक में ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी क्विक बनने वाली डिश है ये। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।